सो हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रियलमी 8 प्रो डिवाइस के बारे में। एंड हाँ गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि रियलमी 8 प्रो काफ़ी जल्द आने वाला है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक ठोस डिटेल सामने आई है। एंड गाइज, ये डिवाइस जो होने वाला है रियलमी 8 सीरीज का एक डिवाइस, यहाँ पे इंडियन BIS सर्टिफिकेशन एंड हाँ गीक बेंच के ऊपर भी स्पॉट हो गया है। एंड इंडियन BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर मतलब ये 1 से 2 महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया आया ही था पिछले कुछ वीडियोस में। सो आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे रियलमी 8 प्रो के बारे में। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अनबॉक्सिंग स्पेसिफिकेशन से मतलब मेरा कि आपको यहाँ पे कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। सो रियलमी 8 प्रो के लिए भी यहाँ पे काफी सारे डिटेल्स सामने हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलमी ने आने वाले टाइम में बहुत सारे पेटेंट्स यहाँ पे जो फाइल किए हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अब लग रहा है कि आपको रियलमी 8 प्रो में क्या कुछ देखने को मिल सकता है एंड मैं आपको इसको बता सकता हूँ। सो यहाँ पे थोड़े से अच्छे डिटेल्स सामने हैं कि इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो पे पूरा बने रहना। एंड हाँ गाइस, छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप सभी के लिए रेगुलरली अपलोड करता हूं। सो आइए गाइस, फटाफट शुरू करते हैं इसी डिवाइस के बारे में बात करना थोड़ा सा डिटेल्स में। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिपसेट की ओर। सो गाइस, यहाँ पे चिपसेट के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि रियलमी 8 प्रो में आपको देखने को मिलेगा 5G का सपोर्ट। सो गाइस, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G ही देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G इनेबल्ड चिपसेट है गाइस। एंड हाँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होने वाली, इनफैक्ट आप गेमिंग भी कर पाओगे काफी आराम से। सो यहाँ पे रियलमी 7 प्रो में स्नैपड्रैगन जो 720G दिया गया था उससे अगर कंपेयर करोगे तो इसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। सो गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ही लिए तो यहाँ पे OS के बारे में बता दूं तो गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है रियलमी का UI 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स। अगर नहीं मिलता है तो आपको एंड्रॉइड 11 और रियलमी 2.0 का अपडेट काफी जल्द देखने को मिल जाएंगे, एज सून एज पॉसिबल, अगर आप डिवाइस जैसे कि परचेस कर लेते हो। सो उसके बाद ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो OS आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा एंड रियलमी का UI काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता ही है। एंड साथ ही आपको 6GB वाली रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगी इनिशियल स्टेजेस में। सो ये सारा कुछ होने वाला इसका सिनेरियो, जो कि परफॉर्मेंस एंड OS के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोन के कैमरास के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे कैमरास के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि 108 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बताया जा रहा है, जितने भी यहाँ पे लीक्स आई हुई है, कि आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सोनी का IMX वाला लेटेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी जो सेंसर होने वाले 8+2+2 का सेम होने वाला है, लेकिन गाइस यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है रियलमी के UI का। So, यहाँ पे गाइज आपको जो इमेज क्वालिटी देखने को मिलने वाली है काफी ऑसम देखने को मिलने वाली है। एंड एडिशन टू दैट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सोनी का IMX वाला सेंसर। सो पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी होने वाली है। सेल्फी के बारे में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। एंड इसके बारे में आपको आगे चल के एक चीज बताने वाला हूँ। सो वीडियो पे काफी इंटरेस्टिंग चीज आगे बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। सो फिलहाल के लिए बात करते हैं फोन के बैटरी के बारे में। सो गाइज, एटलीस्ट आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही गाइज आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है रियलमी की तरफ से। सो ये सारा कुछ होने वाला है इसके बैटरी कंपार्टमेंट में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। सो गाइस, डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे रियलमी ने हाल ही में एक यहां पे पेटेंट साइन किया हुआ है, और इसका डिजाइन कुछ रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स से मिलता जुलता है, मतलब इसका कैमरा जो कटआउट है उससे मिलता जुलता है। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो डिजाइन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले रियलमी 8 प्रो में आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पे ये जितने भी डिटेल्स आई मैंने आपको बता दी इसके पेटेंट से रिगार्डिंग। सो गाइस, यहां पे ऐसा इसका डिजाइन हो सकता है। एंड आपको यहां पे सामने की तरफ डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको यहां पे डुअल पंचल कैमरा दिखाया जा रहा है। सो हो सकता है इस बार आपको 16+8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिले, जैसा कि रियलमी 6 प्रो में आपको देखने को मिला था। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो वही 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा आने वाला है, ये बात तो 100% कंफर्म है। साथ ही डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू यहां पे लेटेस्ट लीक्स बात करूं तो यहां पे आपको फुल HD+ IPS LCD का पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने
को मिल जाता है। एंड हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जैसा कि आईपीएस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। सो ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लीक्स मैंने आपको बताया है। सो ऐसा ही कुछ हो सकता है इसी डिवाइस का स्पेसिफिकेशन। सो बस गाइज, ये तो कुछ इसका स्पेसिफिकेशन, जो कि जितने भी यहाँ पे लीक्स आए थे मैंने आपको बता दिया है। एंड गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो स्पेसिफिकेशन निकल कर आई है, ये यहाँ पे 70-80% काफी ज्यादा करेक्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको काफी माइनर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। रही बात फोन के प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में, सो गाइज इसका प्राइस अंडर 20 की होने वाला है रियलमी 8 प्रो का। एंड लॉन्च डेट तो गाइज 1-2 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अंदर की लीक्स है गाइज की सेकेंड वीक ऑफ जैन में ये लॉन्च होने वाला है गाइज। सो यहाँ पे ये अंदर की लीक्स थी मैंने आपको बता दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस करके आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप सभी के लिए रेगुलरली अपलोड करता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में, गाइस तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।